press the bell icon on the YouTube app and never... पाकिस्तान के मुसलमानों ने जब ये मुहिम चलाई थी तो भारत के कुछ मुसलमान जो पाकिस्तानी दिमाग के हैं वो कैसे नहीं अरेस्ट करवाते, बिल्कुल करवाते। अब पाकिस्तान की बात भारत के कुछ मुसलमान ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान में एक मुहिम चली थी कि नाजिया ने गुस्ताख़ रसूल किया है, और पाकिस्तान के उस मुहिम का हिस्सा हमारे वेस्ट बंगाल के कुछ मुसलमान बने और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे FIRs करवाए। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी पे भीड़ ने हमला किया और उनके खिलाफ न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी सर तन से जुदा के नारे लगे। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे खुद नाजिया लाई खान जी का बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो वंस अगेन दोबारा से आपका शुक्रिया है कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, क्योंकि बहुत अरसे के बाद आपसे वक्त मिला। और मैं ये देखती हूँ कुछ दिन पहले बहुत सारे चैनल्स पर, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई जा रही थी कि आपको अरेस्ट करें, और उसके बाद ये खबरें भी आई कि आपको अरेस्ट कर लिया गया। इसके पीछे आपका क्या क्या सच्चाई है? काफ़ी लोग क्यूरियोसिटी में है जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था, और क्या आया कि आप वाकई अरेस्ट हुई थी या इसके पीछे भी प्रोपेगेंडा है? आपके पाकिस्तान में क्या प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरे लिए? मैम कुछ पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे थी, और उसके बाद मैंने इंडियन मीडिया पे भी यही देखा कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। काफी लोग ये इस पे पूरे पूरे प्रोग्राम्स, आपने सिर्फ इंडियन मीडिया पर देखा या पाकिस्तान में भी कुछ? पाकिस्तान मीडिया पे भी यही था कि हर पोस्ट पे जो है, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो है, वो कह रहे थे कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। आखिर क्या रीजन है इसके पीछे? पाकिस्तान के मुसलमानों ने जब ये मुहिम चलाई थी तो भारत के कुछ मुसलमान जो पाकिस्तानी दिमाग के हैं वो कैसे नहीं अरेस्ट करवाते, बिल्कुल करवाते। अब पाकिस्तान की बात भारत के कुछ मुसलमान ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान में एक मुहिम चली थी कि नाजिया ने गुस्ताख़ रसूल किया है, और पाकिस्तान के उस मुहिम का हिस्सा हमारे वेस्ट बंगाल के कुछ मुसलमान बने और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे FIRs करवाए, जिसमें ब्लास्फेमी का FIR था और मुझे अरेस्ट करवाया गया। पर जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, और दूसरी कहावत है कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। तो कोर्ट से मुझे बेल मिला, मैं आभारी हूँ कोर्ट की, और कोर्ट ने जिस हिसाब से जजमेंट दिया, वो जो ऑर्डर दिया है, वो उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद जिस पुलिस ऑफिसर ने मुझे डिटेन किया था, अरेस्ट किया था मेरे घर पर आकर के पूरा DSLR कैमरा लेकर के, वो ऑफिसर अभी सोच रहा होगा कि कानून भारत में संविधान चलता है, भारत में इस्लामिक कानून नहीं चलता है। तो उसको अभी ये सोचना पड़ रहा होगा, क्योंकि जज ने साफ तरीके से लिख करके दिया है कि आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आप किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को आप बैन नहीं कर सकते हैं। और जो पुलिस ऑफिसर और जो पुलिस स्टेशन ने ब्लास्फेमी का जो केस मेरे ऊपर लगाया था, वो कोर्ट को बिल्कुल साबित नहीं कर पाया कि मैंने गुस्ताख़ रसूल की है। मैंने कूच बिहार के एक बलात्कारी का नाम लिया था, जिसका नाम था मोहम्मद खैबर, और एक बलात्कारी था जिसने 12 साल की एक बच्ची का मदरसे के अंदर रेप किया था, और 12 साल की मुस्लिम बच्ची को रेप करके, प्रेग्नेंट करके भाग गया था, उसका नाम था ओबेस। 2012 5 फरवरी को एक दो मुसलमान भाई अरेस्ट हुए थे, नासिर खान, खादर खान। तो इनका नाम लेने की वजह से मुसलमानों के सेंटिमेंट को धक्का पहुंचा, और मुसलमानों ने कहा कि बलात्कारी अगर खैबर होगा तो आपको उनका नाम नहीं लेना है। तो अब मैं बलात्कारी का नाम ना लूं, ये तो भाई बहुत अजीब सी बात है। तो इसलिए कोर्ट को तो भाई मुझे रोक नहीं पाया। 250 से ऊपर मुस्लिम वकील खड़े हुए थे मेरे विरोध में, और मेरे सिर्फ 4 वकील ही थे मेरी तरफ से, और कुछ जूनियर्स मेरे खुद के थे जो मेरे फर्म में काम करते हैं। तो मैं 250 वकील खड़ा करने की मेरी ताकत भी नहीं है, और मैं फिनांशियली इतनी स्ट्रांग भी नहीं हूँ
कि मैं 250 वकील खड़ा कर सकती थी, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज था और वो था मेरा सच, और उस सच को मैंने कोर्ट के सामने रखा और मैं जीती। मुझे 2 घंटे में बेल हुआ, लेकिन मुझे रोक दिया गया कोर्ट में। तकरीबन बेल होने के बावजूद, बेल बॉन्ड पे साइन करने के बावजूद भी मुझे 5 घंटे रोका गया। इसलिए पुलिस ऑफिसर्स ने रोका कि शायद अगर मैं बाहर निकलती तो मेरा गला काट दिया जाता, जैसे पाकिस्तान में ब्लैस्फेमी की सजा होती है उसी तरीके से मुझे भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाता। इसलिए बेल होने के बाद भी मुझे 5 घंटे अंदर छुप करके बैठे रहना पड़ा। जब अंधेरा हुआ, जब लोग थोड़े से खाली हुए और कोर्ट खाली हुआ, तब जाकर के मुझे बहुत सारे ऑफिसर्स ने मिल करके मुझे गाड़ी में बैठाया और उसके बाद फिर मैं घर आई। अच्छा मैम, है तो बहुत अफसोस की बात, हमें चाहिए कि इस तरह की केसेस ना हो, किसी पे भी ऐसे एलिगेशंस लगा देना पहले, यानी कि पूरी एक तस्दीक होती है, उस पे तस्दीक पे जाकर हम उस अगले बंदे पे चढ़ दौड़ते हैं कि किसी पे भी ऐसे इल्ज़ाम लगा दें। खैर, इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? 22 सितंबर को जो है वो रैली भी है, क्या समझती हैं, किस तरह देख रही हैं कश्मीर के इलेक्शन को? मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रही हूं, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस हिसाब से कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कल मैं एक नेशनल न्यूज पर, एक बच्चा था शायद 21-22 साल का था, शादाब बोल करके, वो सारे जितने भी नेशनल न्यूज चैनल वाले वहां पर अपना रोड शो करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां के बच्चों को ही जो सिंगर है उनको चांस दिया जा रहा है कि वो वहां पर नेशनल न्यूज चैनल के शो, रोड शो पर वो आए, गाना गाएं, एक अपना जो आर्ट है, अपना जो कल्चर है वो दिखाएं। तो वो बच्चा शादाब कश्मीरी था, वो कह रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास पहले नहीं थी जो अब है। दूसरी चीज है कि ये पूरी दुनिया को पता है कि जिन हाथों में तलवार हुआ करता था, बम गोली बारूद हुए करते थे, उन हाथों में आज तिरंगा झंडा है। जिस जुबान पर गालियां हुआ करती थी हिंदुओं के लिए, जिस जुबान पर हिंदुओं का नाम अंधभक्त, गोबर भक्त और काफिर बोला जाता था, आज उस जुबान पर भारत माता की जय है। जिस दिमाग में आतंक भरा हुआ था और हाथ में टायर, जलते हुए टायर जलाने के लिए एनवेलप में पैसा मिलता था, जिस आज उन दिमाग में और उन हाथ में कॉपी कलम किताब है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कश्मीर में, जो लोगों को भी समझ में आ रहा है, वहां की जनता को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद जिस हिसाब से टूरिस्ट का आवाजाही वहां पर हुआ है, और टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो अभी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कश्मीर बूस्ट कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर एक अलग मुकाम जम्मू एंड कश्मीर बना चुका है। और अगर आप चाहें तो, क्योंकि मुस्लिम बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर भरोसा करते हैं, अल जजीरा पर भरोसा करते हैं, तो वो उसी के डेटास को जाकर के चेक करें कि बिल्कुल कश्मीर में टूरिस्ट को लेकर के बहुत पॉजिटिव साइन दिखाई दिया है। शिक्षा पर बहुत सारा काम हुआ है, रोड पर बहुत सारा काम हुआ है, हाईवेज पर बहुत सारा काम हुआ है। और अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कल ही अपनी रैली में बताया भी कि टेररिस्ट और टेररिज्म को हम इतने नीचे जमीन के अंदर दफन करेंगे कि वो कभी भी ऊपर आ नहीं पाएगा। हाँ, ये बात सच है कि अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कुछ ऐसे आतंकी लोग हैं जो अपनी छाती पीट रहे हैं, जो बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं कि बुरहान वानी क्यों मर गया, अफजल गुरु को क्यों फांसी लग गई, यासिन मलिक क्यों जेल में अभी तक हिरासत में है, यहाँ तक के अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कह डाला कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। तो क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो कभी जीतते नहीं थे अपना चेयर, या सत्ता पर वो जीत करके या लोगों के लिए काम करके वो वहां के मुख्यमंत्री नहीं बनते थे। बुरहान वानी, जाकिर नायक, अफजल गुरु, यासीन मलिक, लश्कर ए तैयबा, बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान के सहयोग की वजह से ही वो उन आतंकी लोग उनके झोली में सत्ता और चेयर ला करके दे दिया करते थे। तो इसलिए वो अफजल गुरु को बहुत मिस कर रहे हैं, यासीन मलिक को बहुत मिस कर रहे हैं।
अब जनता को भी तो समझ में आ रही है ना, जम्मू कश्मीर की जनता कोई बेवकूफ तो नहीं है, अब तो शिक्षित, पहले जो लोग शिक्षित एडुकेटेड थे, शिक्षित थे, वो अब सामने आ रहे हैं। महिलाएं जो हैं लाखों करोड़ों की तादाद में अमित शाह जी के मिचिल में वो आई हैं, मोदी जी के जो रैली हुई है, मोदी जी ने जो स्पीचेस रखी हैं उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में महिलाओं ने शिरकत किया है। महिलाओं के प्रति सेफ्टी और सिक्योरिटी पर जो काम हुआ है, जो कार्यों को अंजाम दिया गया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे महिलाएं ये फील कर रही हैं कि 2019 से पहले वो कितना सफोकेटिव फील करती थी और 2019 के बाद वो कितना फ्री और कितना आजाद फील करती हैं, ये खुद उनकी आप बीती। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने खुद बताया कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी उनके खिलाफ चीजों को शेयर कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।